कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड किया है और ये वाले क्लिप्स मेरे पास बहुत पुराने पड़े हुए हैं, आई गेस नवंबर के, जब मेरे कज़न की शादी हुई थी और ये उसकी दावत की वीडियो है। मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे और उस टाइम से अभी तक मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी इसको अपलोड करने की, क्योंकि मैंने इनको दोबारा से देखा ही नहीं था। यहाँ पे हमने सारा सामान सेट करके रख दिया, यहाँ बर्तन रख दिए हैं और यहाँ पे हलीम का सामान है और ये है जी कचूमर सैलेड, जिसकी अभी मिक्सिंग बाकी है, वो उसी टाइम पे कर देंगे क्योंकि ये चिकंदर जो है वो ये अपना कलर छोड़ देता है। और हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी मेरी इसको अपलोड करने की या दोबारा से देखने की, तो उसकी वजह ये है कि ये तब के क्लिप्स हैं जब अबू जी भी थे और इसमें कुछ उनके भी ग्लिम्स थे, तो वो मेरी बिल्कुल भी मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी इसको कुछ भी, इसलिए भी मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था। फाइनली आज मैंने कुछ हिम्मत जमा करके इसको अपलोड करने के बारे में सोच ही लिया, तो फिर मैं ये ले आई आपके सामने। और यहाँ पे दावत के सारे सीन्स थे, प्रिपरेशंस थी, खाना वगैरह हमने लाउंज में ही लगाया था और सारी चीज़ें पहले हमने डाइनिंग पे सेट कर दी थी, फिर उसके बाद हमने सेंटर टेबल पे सेट कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे इजी नहीं होता बार बार उठ उठ के खाना लेना होता है, तो उससे बेहतर होता है कि आप सेंटर टेबल पे सेट कर दो। एक फैमिली थी, सब कुछ ईजीली मैनेज हो गया था। और यहाँ पे मेन्यू में था जी चिकन बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि जो दूल्हा था उसको भी बिरयानी पसंद थी और दुल्हन को भी बिरयानी पसंद थी। फिर उसके बाद सैलेड में मैक्रोनी हमने बनाई थी, कोफ्ते थे, आलू कीमा था, चिकन कढ़ाई थी, साथ में हमने कबाब फ्राई किए थे और ये थी बड़े मज़ेदार सी हलीम। तो सिंपल सा मेन्यू था, साथ में हमने सैलेड्स वगैरह, चटनियाँ, सब कुछ, अचार सब कुछ रख दिया था, तो एक बड़े मज़ेदार सा, एक रिस्पेक्टेबल सा डिनर जो है वो रेडी हो गया था। फिर उसके बाद ये थोड़े से क्लिप्स थे गीगा के, हम 14 अगस्त को गए थे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। पार्सल मंगवाया था मैंने दराज से, अब उसको खोल के देखते हैं कि कैसा हमारा आया है। फर्स्ट टाइम मैंने दराज से कोई चीज़ ऑर्डर की है, लेट्स सी कि कैसा इसका रिव्यू ये देता है, मतलब कैसा निकलता है अंदर से। पहले कभी भी मैंने दराज से कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं की। ये केक स्टैंड आया है, मैंने रोटेटिंग केक जो है वो स्टैंड ऑर्डर किया था, इस तरह से करके ओपन करते हैं। क्या क्या निकला है इसके अंदर से? दैट्स इट, खाली। सबसे पहले हमारे पास ये आया है केक सेटिंग, ये स्पैचुलाज होते हैं या क्या कहते हैं इनको, इससे आप डिफरेंट डिज़ाइनिंग्स कर सकते हो। ये प्लास्टिक, इसकी थोड़ी फ्लेक्सिबल है लेकिन ठीक है, गुजारा है, प्राइस के अकॉर्डिंग इट्स सूटेबल। ये है सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास ये नाइफ है, ये मेरे पास छोटे में थी लेकिन चलो अब बड़े में भी आ गई है, अच्छी है ये भी थोड़ी फ्लेक्सिबल, लेकिन अगर आप प्राइस को देखो तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर ठीक ही है। और ये हमारे पास आए हैं दो आई गेस, या ए नहीं, लेट मी चेक कि ये कितनी क्वांटिटी में है। अच्छा ये हमारे पास आए हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाइपिंग बैग्स आए हैं। इसके आगे हम कोई भी लगा सकते हैं नोज़ल वगैरह या जो इसकी होती है जिससे हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो है हमारे पास, और 10 आए हैं ये, इसको वापस रख सकते हैं अभी ज़रूरत है। एंड देन दिस ब्राइटनेस मैं थोड़ी सेट कर देती हूँ, ये देखिए, ये यूं करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और ऊंचा करना हो तो नीचे कुछ भी इंसान रख लेता है ताकि लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए ना इसका, ताकि आप इजीली कर लो, अदरवाइज़ यहाँ पे केक रख के आप आराम से उसकी सेटिंग कर सकते हो। फाइनली मैंने ये मंगवा लिया, मैं इसको अली एक्सप्रेस पर भी चेक कर चुकी हूँ, वहाँ पे भी डिलीवरी के समझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था, और यहाँ से अभी मैंने दराज से ऑर्डर किया तो ये मुझे मिला है 794 रुपीज़।
में टोटल पड़ा है। डिलीवरी चार्जेस के नहीं थे तो डिलीवरी जो है वो मेरी फ्री हो गई है। तो ये यहाँ से इस तरह से है और अंदर से स्क्रूज़ के साथ जो है वो इसकी फिटिंग हुई हुई है। क्वालिटी इतनी कुछ खास है नहीं है, लेकिन ठीक है, आपकी प्राइस के अकॉर्डिंग ये अच्छी चीज़ मिल गई है। तो इंशाल्लाह केक बनाएंगे हम, क्रीम वाला, चॉकलेट वाला, कोई अच्छा सा मूज केक टाइप। तो बस फिर आपके साथ मैं जो है वो शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इसको यूज़ किया। तो ये अच्छी चीज़ मिल गई है, इसको वापस रखने के लिए हमने इसको अब वॉश करना है अच्छी तरह से, क्योंकि बाहर से आई हुई चीज़ को वॉश करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉश करेंगे हम इसको और फिर हम इसे यूज़ करेंगे।